हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट ईयर रूल सर्वाइवल। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने गोल्डन कोस्ट पर बेस बनाया था एंड अपने ही बगल में अपना एनिमी था जो कि लिटरली गाइस अपने को जो है ना स्प्रिट मॉन्स्टर नहीं मारने दे रहा था। मतलब जब भी हम लोग स्प्रिट मॉन्स्टर मारने जाते वो भी गन लेके सीधा के सीधा वहां पे आते एंड काफी गंदा फाइट चलता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार भी हम लोग मारते ये बंदे हम लोगों को परेशान करते। तो आज जो है ना गाइस, हम लोगों ने कहा हिसाब बराबर ही हो जाए कि कौन स्प्रिट मॉन्स्टर का लूट लेके जाता है। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, अभी हम लोग स्प्रिट मॉन्स्टर मार रहे थे तो वो भी अपने ऊपर फायर करने लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे यार इनके पास रेड डॉट है और अभी अपने पास रेड डॉट नहीं है। तो मैंने कहा यार अभी चलता हूँ फटाफट से स्प्रिट मॉन्स्टर का लूट उठा दो एंड सीधा भागूंगा मैं अपने बेस की तरफ, क्योंकि यार अपने को स्पीयर वगैरह की काफी ज्यादा जरूरत है। एंड वो बंदा यार रैंप के अंदर बैठ के वहां से मेरे को गोलियां मार रहा है एंड गोलियां जो है ना लग रही है, इतना डैमेज नहीं आ रहा है क्योंकि SMG है, AR आ गया ना गाइस, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी स्प्रिट मॉन्स्टर को मारना। बट लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक तो कंप्लीट करा ही दोगे। एक स्प्रिट मॉन्स्टर का लूट तो मैंने उठा ही लिया है, दूसरा स्प्रिट मॉन्स्टर यहाँ पे है, मैंने कहा इसको फटाफट से मारता हूँ एंड इसका लूट लेके जाऊंगा। बट मुझे डर लग रहा है कहीं बंदा यार पीछे से आ जाए मुझे मारने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे यार इसका जो सील्ड है वो तो टूट चुका है एंड मैंने कहा चलो ऐसे चलता हूं मैं मार दूंगा इसको इजीली। भाई अभी भी नहीं मारा, कितना लगेगा। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा, मैं पीछे की तरफ देख रहा था एंड बंदे ने मेरे को मार दिया। बट जैसे मैं यहाँ पे आया गन वगैरह लेके एंड यहाँ पे मेरे को बंदा तो दिखा था जो कि पिस्टल से फायर कर रहा था। मुझे नहीं पता वो बंदा किधर है, आई थिंक वो बंदा यार अपने ही घर में है। तो मैं सारा का सारा लूट सबसे पहले उठाता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे। बट मुझे क्या बताता है गाइज, यहाँ पे उसका भी टीममेट आ चुका है जो कि अभी मुझे मारने आएगा एंड देखो गाइज क्या ही गजब का सीन होता है। तो चलो चलते हैं। तो यार यहाँ पे मैं लूट लेके आया एंड उसने जो है ना अपने ऊपर काफी गंदा फायर किया एंड अपने टीममेट ने मेरे को यहाँ पे काफी बढ़िया कवर दिया। तो मैं यहाँ पे आया एंड पीछे छुप चुका था तो उसने अपने टीममेट को नॉक किया एंड मैं सोच रहा था अपने टीममेट को रिवाइव दे दूं, बट अपने टीममेट ने यहाँ पे सेल्फ वगैरह कर लिया था। तो मैंने उसका सारे का सारा लूट उठाया एंड मैं फटाक से घुसा अपने बेस के अंदर। तो वैसे यार अभी तो अपना कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है क्योंकि उस स्प्रिट मॉन्स्टर ने ओनली 20-20 के करीब अराउंड 40 स्पेयर्स दिया था। मैं तो सोच रहा था यार कंपोनेंट भी लेगा बट नहीं। फिर उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे एयरपोर्ट के पास क्योंकि हम रूम वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक बंदा मारा, उससे मेरे को पर्पल कार्ड मिला। जिस बंदे को मारा था वो बंदा जो है ना अभी हमें अपने बेस के अंदर बुला रहा है, मतलब अपने बेस से फायर कर रहा है। और पहले मेरा ट्राई था जाऊं मैं वहां पे बट नहीं गया। फिर मेरे टीममेट ने कहा फॉलो मी, चलो भाई उसको मारते। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। वैसे मैं गया यहाँ पे, उसको फायर किया, थोड़ा सा बुलेट तो लगा उसमें एंड चलो चलते हैं। पर जैसे ही गाइस हम लोग उसके बेस के पास पहुंचे वो बंदा जो है ना अपने बेस के अंदर घुस गया। बट मेरा टीममेट भी जो है ना बड़ी चौड़ में उसके बेस के पास गया, वो बंदा जो है ना ऊपर से निकला अपने टीममेट को भर दिया। मतलब देख रहे हो क्या ही गजब का स्कैम किया अपने टीममेट के साथ। आई थिंक वहां पे उसका टीममेट था जो कि ऑफलाइन था, ठीक है। हाँ हाँ पता है भाई, एनिमी स्पॉटेड, मुझे भी पता है। अब देखो भर दिया ऊपर से, वो बंदा दिखा मेरे को। वैसे यार बंदे में बुलेट तो काफी ज्यादा लगा, बंदा यार लिट काफी ज्यादा था। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे अपने बंदे के पास ओनली शॉटगन है बाउंडेड वाली तो कोई टेंशन नहीं चलेगा। वैसे यार ये बंदा निकला, बुलेट्स मारा मैंने, अगर मैं उसके पास गया तो यार अपने को काफी ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। तो मैंने कहा चल बेटा पहली फुर्सत में निकल ले। तो हम तो भाई पहली फुर्सत में निकल गए, अब यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहुंचे गैराज में क्योंकि अपने को यार रेड डॉट लर्न करना था और काफी ज्यादा रिसोर्सेज रेसिपीज वगैरह लर्न करनी है, तो अपने को इसलिए काफी ज्यादा चाहिए। तो मैंने कहा फटाफट से हम लोग चलते हैं गैराज में एंड जितना भी कंपोनेंट वाले जॉम्बीज को मार के हमें कंपोनेंट्स मिले हैं उनको हम लोग डिसमेंटल करेंगे एंड उससे जो है ना हम लोग कलेक्ट करेंगे स्पीयर्स। तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा वेट किया एंड अपने सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पे डिसमेंटल हो चुके हैं, तो लगभग अपने में अराउंड 700 से 800 के करीब स्पीयर हो गया। तो चलो यार फटाफट से बेस में चलते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे रेसिपीज लर्न। तो भाई यहाँ पे पहुंचे एंड यहाँ पे देखो वहां गए थे हम लोग डिसमेंटल कर रहे हैं एंड तब तक यहाँ पे स्प्रिट मॉन्स्टर आ गए, तो फटाफट से इसको मारता हूँ। तो यार यहाँ पे एक स्प्रिट मॉन्स्टर को जैसे ही मैंने मारा इस
इसका लूट उठाया जैसे दूसरा स्पिरिट मॉन्स्टर को मारने जा रहा था, तब तक पीछे से बंदा आया एंड अपने को भर दिया। गेरा अभी देखो यार तुम, भर दिया पीछे से। भाई चीटिंग करता है, रुक जा। तो फटाफट से मैं अपने पेग में स्पॉन हुआ एंड मैं यहाँ पे आया। मैंने देखा बंदा कहाँ पे है, आई थिंक यार लूट वगैरह उठा के तो ले गया होगा। तो चलो चलते हैं फटाफट से देख के आते हैं। हाँ भाई किधर है घोड़ा, तो उनको वहाँ पे ही है आई थिंक, वहीं पे बंदा होगा। तो मैंने कहा वो तो आएगा इधर ही लूट उठा के, बट बाद में पता चला बंदा तो वहीं पे है। चलो चलते हैं फटाफट से मारते हैं उसको। यार उनके पास रेड डॉट है ना, इसलिए अपने को दिक्कत हो गई है। अपने पास रेड डॉट है ना तो हम लोग लॉन्ग रेंज में मारने का ट्राई कर सकते हैं। भाई पीछे से उसका बंदा फायर कर रहा मैं, देखो मारा वो। रुक जा बेटे अभी आ रहा हूँ मैं। गया गाइस, वो भी 48 का हेड लगा उसको एक। भाई मतलब स्प्रिट बॉस तो लेके जाएगा अपना। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पे मेरे को शॉर्ट गन हो गई, रेड डॉट भी मिल गया। मतलब अभी जो है ना गाइस हम लोगों ने मारा उससे हमें रेड डॉट मिला, तो भाई मजा आ गया। चलो चलते हैं फटाफट से एंड अभी अपने पास स्पीयर वगैरह तो है, सो हम लोग SMG एंड रेड डॉट का रेसिपी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सामान था वो मैंने ड्रॉप किया, बाकी जितने भी स्प्रिंग्स थे सारे के सारे उठाए। तो यार अभी हमें कोने कोने से निकलना पड़ेगा, अगर उधर से गए ना तो डेफिनेटली गलत सीन होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ पानी की तरफ से चलता हूँ सीधा अपने बेस की तरफ। भाई मतलब यहाँ पे तो होड लगी हुई है कि स्पिरिट मॉन्स्टर कौन मारेगा, ना मैं इन्हें मारने देता ना वो मुझे मारने देते स्पिरिट मॉन्स्टर। तो चलो चलते हैं फटाफट से अपने बेस के अंदर, फिर उसके बाद यार रूम वगैरह भी करना है, फिर रूम वगैरह करने भी निकलेंगे। तो सारे का सारा सामान गाइस यहाँ पे हम लोग डब्बे वगैरह में रखते हैं। रेड डॉट वाली मेरे को कम से कम 2 गन्स मिली हैं। ओ भाई मजा आ गया, बट यहाँ पे तक गाइस मुझे पता नहीं था जो मेरे पास गन से वो SMG रेड डॉट वाली है, तो मैंने वो गन बॉक्सेस में रखी। एक गन थी मेरे पास रेड डॉट वाली, बट उसको मैं यार यूज ही नहीं कर रहा था। अरे फाइट हुआ, बंदे हैं यहाँ पे। ये रहा, ओरे मेरी हाल तो देखो, 7 HP बचा हुआ है। भाई बंदे ने स्कोप खोल के मारा यार, मेरे पास स्कोप नहीं है ना, इसका दिक्कत हो रहा। अपने टीममेट ने एक बंदे को मारा एंड वो बंदा जो है ना वहाँ पे से मार रहा है। मैंने कहा निकलेगा वहाँ से उसको मारने का ट्राई करूंगा, बट वो बंदा नहीं निकला, वो वहीं पे से मारेगा। ठीक है भाई मेरे पास बैंडेजेस भी नहीं है, बैंडेजेस रहते ना तो एटलीस्ट हेल्थ करके मैं मारने का ट्राई कर सकता था। वो बंदा आएगा जरूर नीचे। ओके आया। अरे भाई बुलेट कितनी ज्यादा लगी उसमें, मेरे पे एक बुलेट से लगेगी ना, मैं तो गया। भाई तब भी मैंने कितना बुलेट चमकाया आप लोगों ने देखा, बट कोई नहीं। फिर यार मैं पीछे वाले बेस में स्पॉन हुआ था तो मैं यहाँ पे जंप कर करके आया। मैंने कहा फटाफट से गन लेके जाऊंगा एंड अभी उनको मारूंगा। यार मारे बहुत गंदा वो अभी हमें, बट कोई नहीं यार। सबसे पहले मैं ऐसे करता ना, मेरे पास SMG एक ही बची हुई है अभी और एक रेड डॉट वाली SMG। तो सबसे पहले हम लोग SMG एंड रेड डॉट का रेसिपी लर्न करते हैं। ये शॉटगन ट्रैप है, शॉटगन ट्रैप को मैं यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है शॉटगन ट्रैप मैंने यहाँ पे लगाया और सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका रेसिपी लर्न। यार ये ड्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर रहा है। ओके गाइज यहाँ पे अपना ड्राफ्टिंग टेबल वगैरह प्लेस हो चुका है, तो लेट्स गो। पहले रेड डॉट निकालता हूँ उससे, कहीं मैंने SMG लर्न कर दिया, रेड डॉट भी खत्म। ठीक है गाइज यहाँ पे हम लोगों ने SMG से रेड डॉट वगैरह निकाला और फटाक से जो है ना वो लर्न करते हैं। तो हमारा रेड डॉट का रेसिपी यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुका है, फटाफट से उसको लेते हैं एंड अब करेंगे हम लोग SMG का रेसिपी ड्राफ्ट। तो कुछ देर बाद गाइस अपना SMG का रेसिपी भी यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुका है एंड फटाफट से यार SMG रेड डॉट बना कर रखते हैं और फिर चलते हैं हम लोग बाहर, देखते हैं स्प्रिट बॉस्टर आए या नहीं आए। थोड़ा सा मेरे को स्टील चाहिए, आयरन अपने पास है और स्प्रिंग्स एंड बूम बम SMG बना के फिर चलते हैं। पहले 2 रेड डॉट बनाता हूँ। SMG के लिए मेरे को चाहिए आयरन। स्प्रिंग तो ये रहे। ओके लगभग 4 स्प्रिंग्स लिए मैंने, 2 SMG बन जाएगा अपना।
तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने SMG बनाया एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। जैसे हम लोग बाहर निकलते ना, ये भाई लोग यहाँ पे दोबारा कैंप करने लगे अपने को। तो भाई अब तो अपने पास भी रेडेट है, अब तुम भागोगे। एक गया ऊपर से मार रहा है, रुक जा भाई, अभी रेड डॉट है मेरे में, अब तो मैं लॉन्ग रेंज ही पकड़ूंगा। किधर है वो भाई? ओ भाई किधर है? इधर ही तो था, ये रहा। गया, वैसे एक चीज तो यार, एसएमजी का फाइट में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, मतलब एसएमजी गिरता नहीं है ना, इसलिए सबके सब भाई लोग एसएमजी की फाइट बहुत करते हैं। जब एआर आ जाती है ना यार, थोड़ा सा फाइट वगैरह कम हो जाता है सर्वर में, मतलब एआर ड्रॉप होता है तो एआर ड्रॉप होने का दुख बहुत होता है। निकला बाहर, ओ दिखा मरा। चलो ठीक है गाइस, अभी मुझे लगता है एक बंदा वहां पे है, एक और जो कि फाउंडेशन के पीछे छुपा हुआ है। निकला था बाहर, वैसे फायर का किया था मैंने, उसमें दोबारा से घुस गया। तो यहाँ पे काफी देर वेट करता रहा, स्कोप खोल के मैं चेक करता रहा, बट वो बंदा दिखा नहीं। अभी बंदे जो है ना यहाँ पे उजी लेके आ गए भाई, उजी चाहिए, अगर उजी गिर गया ना गाइस मजा आ जाएगा। डोर खोला था, अपना टीममेट को मारा ही है भाई, बुलेट तो लगी उसमें। चलो ठीक है गाइस, अभी जो है ना हम लोग सीधा करते हैं पुश। वैसे डैमेज तो है वो भाई, आयरन का कच्चा पहना हुआ है भाई, आयरन का कच्चा। नहीं 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 नहीं, हो गया भाई, मार दिया, आयरन का कुछ गिरा। अरे नहीं यार, पीछे से बंदा मार दिया। चलो कोई नहीं गाइस, बट अपना टीममेट आ गया भाई सही टाइम पे, अपने टीममेट ने बजा दिया कि खुद बच गया, मुझे भी नहीं पता, आई थिंक अपने टीममेट ने मार दिया। ठीक है मैं फटाफट से चलता हूँ, मैं भी बाहर। बताओ यार, आज तो फुकार युद्ध चल रहा है, ले गया ये बंदा। और मतलब यार गजब का सीन है, स्प्रिंट बॉस्टर के लिए देख रहे हो गाइस कितना फाइट हो रहा है भाई, मजा ही आ गया। अरे फिर बच गया अपना टीममेट, आई थिंक वो उधर से यार अपना सामान वगैरह उठाने आएगा। ले बेटे निकल। भाई देख रहे हो क्या ही गजब का सीन हो रहा गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे से लूट वगैरह उठाता हूँ, रेड डॉट मिला और तो कुछ नहीं था, एसएमजी तो ड्रॉप नहीं हुआ उसका। भाई बंदे बैंडेजेस वगैरह भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, शॉटगन का बुलेट्स मिला, ये डब्बा खाली है, बैंडेजेस काफी मिल रहे हैं इनसे। चलो सारे के सारे सामान मैं जो है ना सबसे पहले अंदर रख के आता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। तो भाई आई थिंक इसके बाद ये भाई लोग जो है ना, आजा भाई अंदर, इसके बाद ये यहाँ पे सब बाहर नहीं निकले, मुझे लगा ये ऑफलाइन जा चुके हैं, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो भाई अब मस्ती काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा सा हम लोग जो है ना रूम्स वगैरह करते हैं। तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट आया, मैंने डिसाइड करा यहाँ पे रूम करते हैं, बट ब्लू रूम जो था ना ऑलरेडी लूटेड था, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो अभी हम लोग चलते हैं सीधा पर्पल रूम पे, चेकआउट करते हैं। एडवांस एमो चेस्ट होगा तो हम लोग पर्पल रूम कर लेंगे, वो भी मेरे को एक बंदे को मार के मिला है। गोल्डन कोस्ट में यार फायदा कुछ है नहीं बेस बना के मेरी ओपिनियन से, क्योंकि यार यहाँ पे जो रूम होता है वो ब्लू एंड पर्पल होता है, सो आपको ग्रीन रूम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, या फिर न्यूक्लियर या फिर अबेंडेंट, या फिर वो भी बहुत दूर दूर है। तो मेरे ओपिनियन से आप लोग अगर बेस बनाते हो तो सबसे पहले यार ग्रीन रूम जहाँ पे हो वहाँ पे बनाओ, क्योंकि ग्रीन रूम से आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, ब्लू कार्ड से आप लोग कहीं पे भी कर लोगे, मतलब ब्लू रूम कितने होते हैं एंड हर किसी के पास ब्लू रूम कार्ड नहीं होता है। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे पहुँचा हार्बर में, मैंने कहा यार आज तो रूम करके जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा जो कि घोड़े में था, मैं मारने का ट्राई किया यार, घोड़े में लगा क्यों नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, डैमेज ही नहीं आया। तो ये बंदा उठ रहा, एक बंदा गया भाई, भाई साहब 24 के हेड पड़े उसको सारे के सारे। एक बंदा और आया, चल बेटा निकल, दो बंदे थे वो। तो जैसी गाइज यहाँ पे फाइट हुआ, मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम थी एंड यहाँ पे आएगा, अभी मैं सबसे पहले तो अपने आप को हील अप करता हूँ, मेरा वैसे भी एक सेफ खुला हुआ है तो मैंने उसके अंदर जो है ना पर्पल कार्ड डाला हुआ है भाई। फार्माज वो भी फुल अटैचमेंट फार्माज यार बोन के आर्मर में इतना डैमेज देता है जितना AR देता है, बट लेट्स सी ट्राई करेंगे मारने का उसका, यार गधे में वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अपने को। मैं ऐसे करता हूँ ना, अपने टीममेट को रिवाइव देने का ट्राई करता हूँ।
आ गया, देखो कैसे। मतलब यार मैं लिटरली गाइस बताऊं, पेट गलत चीज है इस गेम पे। पेट को इनको रिमूव ही करना चाहिए पेट से गाइस, ये गेम ना और भी ज्यादा डैड होता रहेगा भाई। पेट चलो ठीक है, घोड़ा तक ठीक है, बट घोड़े के ऊपर जो बैठा है जब हम लोग उसको मार रहे, तो एटलीस्ट यार उसके ऊपर डैमेज तो आना चाहिए। डैमेज ही नहीं आएगा, देखो बंदे में डैमेज क्यों नहीं आ रहा है। वैसे देखो गाइस, अगर मेरे पास फार्म हाउस रहती जितनी बुलेट उसमें लगी है, तो इतने में तो यार दो बंदे लेट जाते हैं। बट कोई नहीं गाइस, अपना कार्ड वगैरह सब ड्रॉप हो चुके थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यार अपने आईपैड से आया था मजे करने के लिए। अगले दिन तो मेरे को यहाँ पे जो वो पीजी नाम का भाई था ना, वो मिला था, उसको मैं मारा, उसी की ये गाड़ी है, एंड उससे मेरे को लगभग कुछ ऑयल ड्रम्स मिले थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा सा ऑयल ड्रम्स मिल चुके अपने को, तो चलते हैं बॉम्ब भपका कर फिर हम लोग चले जाएंगे। एंड भाई उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा यार, पीजी भाई जो थे ना, PG10 कुछ नाम था, वो वाले पीजी नहीं है, वो इंडियन भाई हैं जिन्होंने नाम रखा हुआ था। तो उन भाई का गाइस बम गिरा एंड उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो वो सर्वर छोड़ के जा चुके हैं। अब हमारी फाइट किससे होगी रही, स्पिरिट मॉन्स्टर को मारने की। तो यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदा दिखा था जो कि फर्नेस चल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार इसका बेस तोड़ते हैं, फर्नेस उठाएंगे और भागेंगे। तो ठीक है, अरे ये आया बंदा, आई थिंक लगता है अभी जो सर्वर स्टार्ट किया था, एक बॉट मार के जितना भी सामान मिला था वो फर्नेस में डाला था। बट कोई नहीं, चलो यार निकलते हैं यहाँ पे से बाहर। मेरे को घोड़े की आवाज़ तो आ रही है, आई थिंक कोई घोड़ा में घूम रहा है इधर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा गैस स्टेशन के पास, मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे देखते हैं एक आधा बेस वगैरह मिलेगा तो रेड मारेंगे। बट मेरा गाड़ी जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर में फंस गया था, तो मैंने गाड़ी को रिस्टोर करा, रिपोर्ट चेकआउट करा, यार इतने ज़्यादा बंदे देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकले एंड यहाँ पे मेरे को एक बेस दिखा, तो लगभग मेरे को उसको उन भाई को मारने से अराउंड 15 के करीब ऑयल ड्रम्स मिले। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार एक आला बेस रेड मारते हैं, एंड अभी तक तो यार हम लोगों ने ऑयल ड्रम का रेसिपी भी लर्न नहीं करा भाई। क्या बेस बना रखा ये है, चलो यहाँ पे लगाता हूँ। मैं तो सोच रहा था यार कम बॉम्ब पे हो जाएगा, बट इसमें तो हर जगह दूर से। भाई यहाँ पे भी डोर, यहाँ पे भी डोर, बॉक्स तो खाली है। बॉम्ब मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी तरीके से लगाऊँ, डैमेज हुए ना इधर वाले में भी जाए इधर वाले में भी जाए, तो मैंने यहाँ पे लगाया। मैं सोच रहा था यार दोनों डोर तीनों डोर्स में जो है ना डैमेज जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, डैमेज जो है ना ओनली दो डोर्स में गया। अरे अरे भाई क्या सीन है ये, इधर तो कुछ नहीं है, फ्रिज है, इसमें देखता हूँ इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो मैं रेड डॉट हटाता हूँ एंड चेक करूँगा इसके अंदर है क्या। भाई यहाँ पे दो फर्नेस है, तो बॉम्ब लगा के देखते हैं, मे बी कुछ मिलेगा अपने को। एक ही फर्नेस था यार, मैं तो अरे भाई है थोड़ा बहुत सामान। तो उसके बाद यार मैंने डिसाइड करा चलो अंदर चल के देखते हैं आगे क्या सीन है इस बेस का। बट जैसी गाइस मैं अंदर गया ना, अंदर और भी ज़्यादा डोर थे। मैंने कहा भाई इतने बॉम्ब तो है नहीं अपने पास, लगभग इतने ही बॉम्ब थे जो कि मेरे को उस भाई से मिले थे। तो चलो ठीक है यार अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस में एंड वहाँ पे देखेंगे वो भाई है या नहीं है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके अपने बेस में, मैंने सारा का सारा सामान जो है ना अपने बेस में डाला एंड यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरा बेस जो है ना किसी ने आई थिंक फ्रंट एरिया रेड मारा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अरे भाई स्प्रिट मॉन्स्टर है ये भाई, लोग दोबारा बाहर तो ज़रूर निकलेंगे स्प्रिट मॉन्स्टर मारने के लिए।
तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वेट करने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर भाई लोग आएंगे बाहर तो फाइट करेंगे। तो ठीक है गाइज, अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मैंने देखा ये भाई जो है ना वो मशीन गन नहीं होता जो कि टैंक फोड़ने से मिलता है या फिर हैली फोड़ने से मिलता है, कभी कभार ड्रॉप से भी मिल जाता है, वो मशीन से स्प्रिट मॉन्स्टर मार रहा है। तो जैसे भाई वो भाई ने स्प्रिट मॉन्स्टर मारा है तो वो जो है ना सामान लेने के लिए जा रहा है। तो चलो यार चलते हैं, सामान नहीं उठाने देगा अपन, सामान नहीं उठाने देगा। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने फटाफट से स्प्रिट मॉन्स्टर का सामान उठाया, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। एंड ये भाई के पास भी कुछ गन्स वगैरह नहीं थी। दूसरा स्प्रिट मॉन्स्टर यहाँ पे रहता है तो इसको भी मारेंगे, आई मीन मार तो दिया है, सामान उठाएंगे। लगभग 10 पाइप मिले, अराउंड 100 स्पेयर्स। चलो तो मैंने कहा यार अगर वहां से जाऊंगा तो डेफिनेटली अगर दो बंदे होंगे तो वो तो मुझे भर देंगे। तो यार अभी उधर से तो नहीं जाना है, रिपोर्ट चेकआउट करता हूँ। ओके ठीक है, दो बंदों का नाम आ रहा है बट मुझे लग रहा है अभी एक बंदा ऑफलाइन है और एक ही बंदे से फाइट होगा अपना। तो मैंने कहा चल बेटे पहले फुर्सत में निकल छुप छुप कर। तो यहाँ पे से गाइज हम लोग पानी के रास्ते जा रहा हूँ, मैंने कहा अगर उधर से गया ना तो डेफिनेटली मेरे को मार देंगे। तो आराम आराम से निकलो, आराम आराम से, आराम आराम से, राम राम से नहीं। तो ठीक है अभी हम लोग यहाँ पे से जा रहे हैं, सीधा अपने घर के अंदर जाएंगे। एंड वो भाई जो है ना यहाँ पे गाइज उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो बंदा दिखेगा बजाऊंगा बट उससे बंदा मरता कहाँ है यार। अगर उसमें गाइस एम असिस्ट हो ना वो मशीन गन में तो वो बढ़िया है, बाकी एम असिस्ट नहीं है तो वो बेकार है। भाई मेरा वुड भी खत्म हो गया, अभी मेरे को यहाँ पे डोर लगाना है। तो सारा का सारा सामान मैं यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहले मैं जो है ना थोड़ा सा वुड स्टोन एंड आयरन लेके जाऊंगा डोर लगाकर, फिर उसे पैक कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस क्या ही गजब का सीन चल रहा है। ओ भाई 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 हेल्थ बहुत कम है, मेरी बुलेट्स खत्म हो गई आई थिंक, या 25 बुलेट्स बची हुई है, देखते हैं मार पाता हूँ भाई बंदा नॉक। एंड मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग बेस चलते हैं और बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देर मस्ती किया था एंड उसके बाद जो है ना मैं भी जा चुका था ऑफलाइन, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, बाय बाय।